बाकी हमने पूरे बॉडी के चेकअप के लिए वहाँ पे ब्लड दे दिया है और दोनों हाथ से लिया क्योंकि एक में पूरा नहीं हो रहा था ये कहा उन्होंने। और लौड़ी कुछ नहीं होना, अब चेस भी नहीं होना। सुबह सुबह का शानदार नजारा कुछ इस तरीके का दिखता है तिलवाड़ा का। और हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पौर और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह तिलवाड़ा से हो रही है और जेठो जी के रूम के छत से हो रही है। मैं जा रखी हूँ फिलहाल छत पर थोड़ा वीडियो की शुरुआत करने और आप लोगों को वीडियो मतलब स्टार्टिंग दिखाने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं तिलवाड़ा हूँ, तो अभी हमने जाना है घर। तिलवाड़ा मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है और अभी हम हैं सुमाड़ी। और अभी कल रात को हम यहीं रुके थे क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमको यहीं पे रुकना पड़ा। और अभी चलती हूँ मैं नीचे छत से नीचे की ओर और तब तक के लिए आप यहाँ पे वीडियो में बने रहें। तो अभी हमको हॉस्पिटल भी जाना है, तो हॉस्पिटल की तैयारी करते हैं और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं। आज ये देखिए यहाँ पे टीका शिका लग रहा है बच्चों। ये हैप्पी ये हैप्पी और ये कल की हीरोइन साक्षी राणा। डब्बा आता है तुझे? ए डब्बा कैसे हो? कहाँ जा रहे हैं? आपका स्कूल कहाँ है? हमारा स्कूल नहीं, नाम क्या है स्कूल का? कौन सी क्लास में तू? मैं फोर्थ में। आइए ये यूकेजी। अरे आप तो बता दो। आधा बस सुन वे देखो क्यों गुस्सा आ रहा अभी। ये देखो हीरोइन ये खेल पे हैं बिहार में खाने आया। बिहार तब खराब हुआ था उल्टी तो रुद्र पे आखे ना जी सास ना ये छीन यारा कमर ना दे हैं हम तो अब गौर जाना। तो ये है हमारे गांव की भाभी जी जो कि यहाँ सोमाड़ी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहती हैं। अरे स्माइल तो करो, अरे स्माइल तो करो। चलो जाओ 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 बाय कर मम्मी बाय कर। चलो जाओ बाय। बाय 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 नानी के यहाँ आना ठीक है। हंस के जाओ ठीक है, रो रो के मत जाओ स्कूल। बाय 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 डब्बा बाय हैप्पी। पैसा दे मत पैसा। अरे हुड़साओ मत रे उसको। अभी जब तक जेठो जी बच्चों को छोड़ के आते हैं तब तक हम उनका वेट यहाँ गेट पे कर रहे हैं और स्वामी जी जा रखे हैं बाथरूम, तो तब तक मैं यहाँ पे वेट कर लेती हूँ।
बाकी इन दोनों के यहाँ पे लड़ाई हो रही है। नाश्ता करने के बाद हमारी होगी है जाने की तैयारी और बैग शैग तैयार करके। बाकी हमारी हो गई है जाने की तैयारी। बाकी यहाँ पर फोन दे रखा हमने चार्जिंग के लिए। दीदी की यहाँ पे आँख आ रखी है। आई फ्लू हालांकि तो तब नर्सिंग दो। जरसासू जी के रूम से निकलने के बाद हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल, थोड़ा ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या क्या निकलता है उसमें देखते हैं। हॉस्पिटल के और हमारी बढ़ते कदम और वहाँ पे भीड़ लग रही है। दिन ही खराब चल रहा है आजकल हमारे, दिन किस्मत नसीब सब खराब चल रहा है। जहाँ भी जा रहे भीड़ ही भीड़ है। सीधी दीदी हैं तो रुमट दीदी। तो ये रहा हमारा हॉस्पिटल और यहाँ पे सबसे पहले हम पर्ची कटा देते हैं और उसके बाद चलते हैं। तो जय श्री कृष्णा बोलिए और जल्दी नंबर आ जाए। लेकिन अफसोस कि आज भी हमें बहुत लेट हो जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी पड़ी है। बाकी आपको मालूम ही होगा कि पुल के बगल पे ये नया हॉस्पिटल खुला है और रुद्रप्रयाग में किस्मत ही ख़राब रही है हमारी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी और यहाँ भी बहुत सारी भीड़ है। तो थोड़ी देर हम बाहर टहलने के लिए आ रखे हैं। भूख वगैरह ठीक है आपको? भूख वगैरह ठीक है? खाना ठीक है ना? बाकी होगी है डॉक्टर साहब से बातचीत और अभी चलना है हमको पूरी बॉडी का चेकअप कराने के लिए बोला था, तो डॉक्टर देखते हैं क्या बोलते हैं। तो पिछली बार अब यहाँ पे ब्लड निकालने की तैयारी हो रही है। तो पिछली बार जब मैं बीमार हुई थी श्रीनगर में तो उन्होंने बहुत जगह पे सुइयाँ चुभाई थी, तब से मुझे बहुत डर लगता है सुई से। लौड़े कुछ नहीं होना अब, चस भी नहीं होना। तो तो मैं तन बोलो आप और मेरा हालत खराब है, ठस भी बोलना मैं तो आँख पूछ पूछ ये बुझ। आज तो मैं गई काम से, अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि दो सीरम हमको खून की देने पड़ेंगी और दूसरे हाथ से भी निकालना पड़ेगा। एक का तो निकाल दिया, बाकी दूसरे का निकालने की तैयारी है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बाकी हमने पूरे बॉडी के चेकअप के लिए वहाँ पे ब्लड दे दिया है और दोनों हाथ से लिया क्योंकि एक में पूरा नहीं हो रहा था, ये कहा उन्होंने। और बाकी वहाँ पे उन्होंने कहा कि रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी और एक तीन चार दिन में आएगी, तो देखते हैं कब तक आती है। बाकी दोनों हाथों मैंने अभी रुई लगा रखी है क्योंकि ब्लड बंद नहीं हो रहा था हाथ से। तो चलो चलते हैं घर की ओर, अभी सासू जी की भी तबीयत खराब है।
तो बाकी हम बैठ चुके हैं टोयोटा वाली गाड़ी में और सवारी भी हो गए हैं, तो एक दो सवारी रह चुके हैं जो चलते हैं इसके बाद घर की ओर। मम्मी भी परेशान हो गए हैं गर्मी से। चुके हैं टोयोटा और स्वामी जी वहाँ पे ले रहे सामान। अभी मार्केट सुनसान है, कोई नहीं है, दोपहर का टाइम है, धूप भी हो रही है तो सुनसान लग रहा। बाकी हम टोयोटा पहुँच चुके हैं और वो लोग पीछे आ रहे हैं सामान लेके और हम भी जा रहे हैं पैदल। पैदल जाना है यहाँ से उस पार और सामान लेके भी जा रहे हैं। तो ये भी लोग भी आ गए हैं सामान लेके और बहुत सारा सामान है इनके पास। और ये हैं दीदी। यहाँ से ठंडा दे रहे हैं वो नीचे नदी में और वहाँ पे हैं देवर जी। रास्ते में आते आते हमारे हालत ख़राब हो गए हैं और हाथ पे सामान भी है तो भारी और है, बाकी सब लोग ऊपर पे बैठ रखे हैं। तो चलो चलते हैं घर में और मिलते हैं आपको सीधे घर जाके। शाम का टाइम हो गया है, मैंने भैंस को बाहर निकाल दिया है और भैंस आजकल बहुत कमज़ोर हो गई है क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है। जब से छोटी वाली भैंस को हमने हमारे यहाँ दिया है तो तब से ये कुछ खा भी नहीं रहा है और ये देखो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, जबकि एक भैंस था इसने बहुत मोटा होना था लेकिन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कुछ दिन में खाने लगेगा, तो मिलती हूँ इसको इसकी सिफारिश करने के बाद। भैंस को निकालने के बाद मेरी हो गई है घास के लिए जाने की तैयारी और आज ले जा रही हूँ मैं रस्सी मतलब जूड़ा। तो अभी घास बहुत गीला है तो सल्टे पे मतलब भारी हो जाता है, तो चलो चलते हैं घास के लिए और आपको भी लेके चलते हैं। और दो रंग के चप्पल पहन के मैं जा रही हूँ खेतों की ओर और मेरे चप्पल तो स्वामी जी ले गए और उनके चप्पल टूट गए, तो क्या करें इमरजेंसी में ऐसा भी देखना पड़ता है कभी कभी। बाकी खेतों के बीचों बीच से मुझे जाना है घास के लिए और आज मैं रस्सी लेके आई हूँ, तो रस्सी लेके चलेंगे और यहाँ से चप्पल उतार देंगे हम। यहाँ खेतों में बहुत सारा पानी है जिसकी वजह से हम चप्पल पहन के नहीं जा सकते हैं, पूरे खेतों में पानी ही पानी रहता है, इसलिए मैं चप्पल यहाँ पे छोड़ दूंगी दो रंग के चप्पल और चलते हैं घास के लिए। तो घास की भारी को मैंने निकाल के लगा दिया है और रात होने वाली है तो चलते हैं अब घर की ओर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और आज के ब्लॉग को मैं अपनी घास की भारी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए दोस्तों ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा।